वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल एंडेड क्यू के कंसेप्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अब तक की जितने भी क्यूज देखी थी हमने, और सभी में हमने देखा था कि क्यू के दो एंड्स होते हैं, एक होता है फ्रंट और दूसरा होता है रियर। और इंसर्शन उन केसेस में एक एंड से होता था और डिलीशन दूसरा एंड से, जो फिक्स रहते थे, ठीक है। और जितने भी अभी तक की क्यूज थी हमारी, इट मे बी सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू, ये सभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। तो अगर अब हम पूछें कि क्या डबल एंडेड क्यू भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो आंसर है नहीं। ये दुष्ट होती है क्यू, मतलब ये किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो क्यों नहीं फॉलो करती, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखेंगे हम। देखिए इसमें भी क्या है, एलिमेंट्स आपके होमोजीनियस होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल होता है। इसके पहले जो क्यूज देखी थी उसमें इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता था और डिलीशन फ्रंट से, पर इस केस में क्या होगा, इंसर्शन भी रियर एंड से, इंसर्शन डिलीशन दोनों हो सकते हैं, और फ्रंट एंड से भी इंसर्शन और डिलीशन दोनों हो सकते हैं। और यही रीज़न है इसे कहा जाता है डबल एंडेड क्यू, या फिर शॉर्ट में इसको डी क्यू भी कहते हैं। इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, पहला है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और दूसरी होती है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू है, इसमें इंसर्शन पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इंसर्शन हमेशा इसमें किस एंड से होगा, रियर एंड से, लेकिन डिलीशन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, तो डिलीशन जो है आपका वो किसी भी एंड से हो सकता है, ठीक है। इंसर्शन सिर्फ रियर से होगा, बट डिलीशन फ्रंट और रियर दोनों से हो सकता है। वहीं यदि हम आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के बारे में बात करें, तो इसमें डिलीशन पर पाबंदी है कि डिलीशन जो हमारा होता था हमेशा फ्रंट से, वो वहीं से होगा, लेकिन इंसर्शन हमारा किसी भी एंड से हो सकता है। आगे की जो वीडियोस हम देखेंगे उसमें देखेंगे हम कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू की कोडिंग कैसे करना है एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में कैसे हम कोडिंग करेंगे यूजिंग C++, और इंसर्शन और डिलीशन भी परफॉर्म करके देखेंगे दोनों एंड्स से, राइट। और आज हमने कंसेप्ट समझा डबल एंडेड क्यू कहते किसे हैं और ये कितने टाइप की होती है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।